हेलो गाइस, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन क्लास टू। तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा, फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था तीन टाइप्स, मैंने इसमें आपको कवर करवाई थी। फर्स्ट टाइप में हमने देखा था कि स्टेटमेंट में जो ब्लैंक आ रहा है, फर्दर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हमने पीछे प्रेपोजिशन को पुट किया था। सेकेंड टाइप में मैंने आपको थोड़ा फिक्स्ड प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन लाइक अकॉर्डिंग टू होता है, अकॉर्डेंस विद होता है, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड थोड़ा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन को। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड प्रेपोजिशन फिक्स्ड प्रेपोजिशंस में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई ऐसी वर्ब्स हैं जिन पे जो है कॉन्सेप्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता रहता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में पॉपुलर विद का भी आपको कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपने ध्यान दिया, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस में कुछ वर्ड्स वर्ब्स आपको लिख के दे रहा हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चार्ज्ड, हमने इसके अंदर पुट करनी है प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी। सेकेंड हम लिख लेते हैं अक्यूज्ड, थर्ड हम लिख लेते हैं हैंकर ऑब्लिक एस्पायर, देन फोर्थ कनाइव्स। इंपॉर्टेंट वर्ब है कनाइव्स, क्वेश्चन आया उस पर कनाइव्स वर्ब पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम वर्ब्स को डिस्कस करें, फिफ्थ में लिख देता हूं पार्ट, charged, charged is followed by preposition with, charged के साथ preposition with को लगाया जाता है, accused के साथ preposition of को लगाया जाता है, ठीक है। hanker और aspire दोनों verb का जो meaning होता है, hanker और aspire दोनों verb का meaning होता है strong desire, तीव्र इच्छा को रखना। hanker aspire के साथ दो preposition books में बताई हुई है grammar में, ठीक है। it takes two after, टू भी लग सकता है, हैंकर टू भी होता है और एस्पायर टू भी हो सकता है, हैंकर आफ्टर भी हो सकता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, क्लियर। कनाइव्स के साथ प्रेपोजिशन विद को भी लगाया जाता है, मल्टीपल भी लग सकते हैं, ट्रिपल भी लग जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ एक्ट भी लगता है। कनाइव्स के साथ जब हम प्रेपोजिशन विद को लगाते हैं तो इसका मीनिंग होता है कॉन्स्पिरेसी, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, और कनाइव्स एक्ट का मीनिंग होता है छिपाना, टू हाइड करना, ठीक है। कनाइव्स एक्ट की जो एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली टू कनाइव्स विद, ओके। तो कनाइव्स एक्ट के अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि मदर ऑलवेज कनाइव्स एट द फॉल्ट्स ऑफ हर चिल्ड्रन, कि माँ जो है अक्सर अपने बच्चों की कमियों को छिपाती है। मदर ऑलवेज कनाइव्स एट द फॉल्ट्स ऑफ हर चिल्ड्रन, क्लियर। पार्ट इज फॉलोड बाय ट्रिपल प्रेपोजिशन, पार्ट के साथ हम प्रेपोजिशन लगा सकते हैं विद, पार्ट के साथ प्रेपोजिशन लग जाती है फ्रॉम, और पार्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ भी बताई हुई है, ओके। पार्ट के साथ ट्रिपल प्रेपोजिशन लगाते हैं, ऑफ भी लग सकता है, फ्रॉम भी लग सकता है और विद भी लग सकता है। कॉन्टेक्स्ट इनके मीनिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। पार्ट ऑफ सबको ही पता होता है, पार्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है पोर्शन, यू पीपल आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई क्लास, लाइक ही इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई फैमिली, ओके। वो तो हो गया पोर्शन, लेकिन पार्ट के साथ जब हम विथ लगाते हैं या फ्रॉम लगाते हैं, इस पे मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं आई कैन नॉट पार्ट माय फैमिली, फर्स्ट सेंटेंस, ओके। सेकंड सेंटेंस अगर हम इसमें लिख लेते हैं, सेकंड मैं बोलता हूं शी कैन नॉट पार्ट ब्लैंक हर सेल फोन, सो हियर इज रिटन टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट मैंने लिखा आई कैन नॉट पार्ट ब्लैंक माय फैमिली, और सेकंड मैंने बोला शी कैन नॉट पार्ट ब्लैंक हर सेल फोन। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो दो यहां पे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो रहे हैं कि फर्स्ट में यहां तो लिविंग की बात हो रही है और यहां पे माय फैमिली भी क्या है लिविंग, लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट में एक तो लिविंग है बट जो दूसरा यहां पे है वो है नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये लिविंग नॉन लिविंग का ही कॉन्सेप्ट है। पार्ट के साथ जब भी विद लगता है, ये पार्ट के साथ जब हम फ्रॉम लगाते हैं तो इन दोनों का जो मीनिंग निकल के आता है वो मीनिंग होता है सेपरेशन,
अलग होना, पार्टेड विद और पार्ट फ्रॉम दोनों का मीनिंग होता है टू बी सेपरेटेड, अलग होना। लेकिन आपने ध्यान रखना है पार्ट विद लगता है सेपरेशन फ्रॉम नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए पार्ट विद यूज होता है और लिविंग के लिए हमेशा जो है पार्ट फ्रॉम को लगाया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको कि फर्स्ट सेंटेंस में लिविंग का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे आएगा सॉरी फ्रॉम, सेकंड कॉन्सेप्ट में जो है यहाँ पे नॉन लिविंग से सेपरेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे लग जाएगा प्रपोजिशन विद। ठीक है, तो शी कैन नॉट पार्ट विद हर सेल फोन और आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माय फैमिली, क्लियर। लिविंग बींग से सेपरेशन होता है तो हम लगाते हैं पार्टेड फ्रॉम और नॉन लिविंग के लिए हम लगाते हैं पार्ट विद, क्लियर। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको फिक्स्ड प्रपोजिशंस पे बताया, तो इस पे थोड़ा और हम ऐड कर लेते हैं आगे कुछ वर्ब्स में आपको और दे देता हूँ। ध्यान रखना ये स्टेट के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं प्रपोजिशंस, सीजीएल और बैंकिंग के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो जैसे मैं ये लिखता हूँ ये स्टेट के एग्जाम में पहले एक हुआ जैसे अग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब कॉन्सेप्ट आया हुआ इस पर, अग्री के साथ प्रपोजिशन विद भी लगती है और इसके साथ प्रपोजिशन टू भी लगती है, अग्री विद भी होता है और अग्री टू भी होता है, क्लियर। अग्री विद मोस्टली हमें पता होता है लेकिन अग्री टू का कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अग्री के साथ विद कब लगता है, जब हम किसी की बात से सहमत होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ आई कैन नॉट, अग्री विद होता है इन केस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन की बात हो तो वहां पे अग्री विद को यूज होता है किया जाता है, लेकिन अग्री टू का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है इन केस ऑफ प्रपोजल और प्लान। अगर सेंटेंस में प्रपोजल या प्लान की बात हो तो वहां पे कभी भी विद प्रपोजिशन को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, वहां पे लगाया जाता है हमेशा टू। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं आई कैन नॉट अग्री ब्लैंक, यहां पे ब्लैंक आ जाता है योर प्लान और वी कैन से प्रपोजल, यहां पे प्लान या प्रपोजल लिखा हो और पीछे अग्री गिवन हो तो यहां पे आपने ध्यान रखना है कि आपने यहां पे विद प्रपोजिशन लगानी है, यहां पे हम क्या लगाएंगे अग्री टू, ठीक है। सो अग्री विद लगता है ओपिनियन के साथ, जैसे मैं आपकी बात से सहमत हूं सो आई आई एम अग्री विद योर थॉट्स, आई अग्री विद योर ओपिनियन, और अग्री टू कब लगाना है प्लान और प्रपोजल के केस में, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा बढ़ते हैं, ये सीजीएल टीयर टू में आया हुआ इस वर्ब के कॉन्सेप्ट, दैट इज डिपेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंड वर्ब के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि ऑन आएगा या अपॉन आएगा, तो आपने ध्यान रखना है डिपेंड के साथ ऑन और अपॉन दोनों ही प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है, ऑन भी लगता है अपॉन भी लगता है। अब तीन एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं डिपेंड ऑन कहाँ होता है डिपेंड अपॉन कहाँ होता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट माई पेरेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड हर सक्सेस डिपेंड्स हर हार्ड वर्क। स्टेटमेंट नंबर थर्ड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो बट इट डिपेंड्स whether, sorry, यहाँ पे blank आएगा but it depends, blank, whether I get the reservation or not, ये sentence है, clear? T
तीन एग्जांपल्स बोर्ड पे मैंने लिखे हुए। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ब्लैंक माय पेरेंट्स। सेकंड स्टेटमेंट है हर सक्सेस डिपेंड्स ब्लैंक हर हार्ड वर्क। और थर्ड मैंने बोला आई विल गो टू दिल्ली टुमारो बट इट डिपेंड्स ब्लैंक वेदर आई गेट द रिजर्वेशन और नॉट। तो अगर इन तीन सेंटेंसेस में हम बात करें तो हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे लिविंग की बात हो रही है, सब्जेक्ट आई है और माय पेरेंट्स है, मींस दोनों ही लिविंग है, लिविंग के साथ यहाँ पे लिंक बन रहा है। सेकंड सेंटेंस में हर सक्सेस और हर हार्ड वर्क, ये यहाँ पे नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। तो पहले और दूसरे सेंटेंस में तो लिविंग और नॉन लिविंग की ही बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। ध्यान रखना आपने डिपेंड के साथ ऑन को लगाया जाता है, चाहे बात लिविंग की हो या चाहे बात नॉन लिविंग की हो। तो फर्स्ट दोनों सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन ऑन पुट होगी, आई एम कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन माय पेरेंट्स और हर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हर हार्ड वर्क। तो दोनों ही सेंटेंसेस में ऑन को प्रीपोजिशन को लगाया जाएगा। बट व्हेन वी सी इन थर्ड स्टेटमेंट, इसमें एक बात हमें क्लियर हो रही है, ठीक है। एक सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस में मैंने एक वर्ड लिखा है, वो है वेदर। तो आपको अगर आपने कंजंक्शन को थोड़ा ढंग से पढ़ाओ तो वेदर और इफ दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा कंडीशन को बताते हैं, कंडीशनल होते हैं वर्ड्स, क्लियर। सो बोल रहा है आई विल गो टू दिल्ली टुमारो बट इट डिपेंड्स ब्लैंक वेदर आई गेट द रिजर्वेशन और नॉट, ठीक है, कि मैं दिल्ली जो है टुमारो जाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, बट ये डिपेंड करता है कि मुझे रेलवे के टिकट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो मींस इस सेंटेंस में जो है यहाँ पे क्या शो हो रही है, कंडीशन यहाँ पे आ रही है, कंडीशन यहाँ पे लग रही है कि अगर मुझे रेलवे के टिकट मिलते हैं तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा। सो वेदर और इफ कभी भी सेंटेंस में गिवन हो तो हमने वहां पे ध्यान रखना है, वहां पे डिपेंड वर्ब जो है हमेशा अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेती है, अपॉन, ठीक है। सो डिपेंड ऑन लिविंग और नॉन लिविंग में लगाया जाता है और डिपेंड अपॉन को हम लगाते हैं इन केस ऑफ कंडीशन, जहां पे कंडीशन पुट होती है वहां पे हमेशा डिपेंड के साथ अपॉन प्रीपोजिशन को लगाया जाता है। जैसे आप बोलते हो नॉर्मली कि हम लोग जो है मूवी देखने जाएंगे, आप फ्रेंड्स हो, ठीक है, क्लासमेट्स हो, तो आप आपस में प्लान करते हो कि हम मूवी देखने जाएंगे, बट ये डिपेंड करता है, पता नहीं हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस में भी क्या हो गया, कंडीशन लगी। तो जहां पे कंडीशन लगती है वहां पे डिपेंड वर्ब के साथ हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन को लगाया जाता है, अपॉन, क्लियर। सो इन केस ऑफ कंडीशन डिपेंड अपॉन, और जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट होता है वहां पे हम डिपेंड के साथ ऑन को ही पुट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ब हम लेते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी पूछी जाती है, कंप्राइज वर्ब। सो मेनी एग्जाम्स में कंप्राइज वर्ब का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब कंप्राइज। कंप्राइज वर्ब का अपना ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना आपने। कंप्राइज वर्ब एक ऐसी वर्ब है, अगर तो बात की जाए एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस में कंप्राइज वर्ब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ को नहीं लगाया जाता, ठीक है। और अगर कंप्राइज वर्ब की बात की जाए पैसिव वॉइस में, मींस कंप्राइज वर्ब को अगर सेंटेंस में पैसिव वॉइस में लिखा गया हो तो कंप्राइज वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऑफ को पुट किया जाए। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। कंप्राइज वर्ब कई बार हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, ये एसएससी के एग्जाम में भी इसके ऊपर सवाल आते हैं कंप्राइज वर्ब पे। तो स्टूडेंट्स, यू पीपल नीड टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड दैट इफ इन एनी सेंटेंस दिस वर्ब इज रिटन इन एक्टिव वॉइस और वहां पे फिर ऑफ लगाया हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो वहां पे कंप्राइज वर्ब के साथ ऑफ नहीं आता। बट सेम यही वर्ब अगर पैसिव वॉइस में यूज्ड है तो वहां पे कंप्राइज वर्ब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ को लगाया जाता है। बट जितने भी मैंने एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे कंप्राइज वर्ब के, तो एग्जामिनर इसको जो है एक्टिव वॉइस में ही ऑफ लगा के देगा, ठीक है। रेयर चांस होते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑफ लगा के दे रहा है तो आपने नो एरर पे मार्क करना है। बट इफ इट इज गिवन इन एक्टिव वॉइस देन वी हैव टू पुट द पैसिव वॉइस में ऑफ जो है मतलब लगेगा, बट एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं लगेगा। मैं दो सेंटेंस यहां पे लिख रहा हूं। फर्स्ट में बोलता हूं द मीटिंग कंप्राइजेस of five
members. The meeting comprises of 5 members. ओके और सेकंड सेंटेंस में यहां पे एक और लिख देता हूं. द मीटिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 members. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जो एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का भी नॉलेज होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना होना चाहिए कि सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में लिखा गया है पैसिव वॉइस में लिखा गया है. तो अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, टेंस होते हैं बेसिकली. तो अगर फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करें द मीटिंग कंप्राइजेस ऑफ 5 मेंबर्स, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ते हैं कि थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होता है तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म जो अपने साथ क्या लेती है, एस और ईएस लेती है. जैसे हम बोल देते हैं ही गोज देयर, ही गोज, she writes, she plays, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ it rains, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा verb की first form के साथ क्या लगाया जाता है, as or es. तो यहाँ first sentence में हम देख रहे हैं कि जो meeting है वो singular है, तो meeting singular होने के कारण यहाँ पे comprise verb के साथ हम क्या put कर रहे हैं, वहाँ पे s लगा रहे हैं, ठीक है. तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्लियर होगा कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है और इस फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे ऑफ जो है एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कंप्राइज वर्ब एक्टिव वॉइस में अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ को नहीं लेती, ठीक है. जैसे अब सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने लिखा द मीटिंग इज कंप्राइज ऑफ 5 मेंबर्स. जैसे हम एक सेंटेंस बोर्ड पे मैं लिखता हूँ आई टेक टी, सो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, टी इज taken by me. तो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ठीक है. टी इज टेकन बाय मी, तो यहां पे इज के साथ क्या लग रहा है, थर्ड फॉर्म. तो इस सेकंड सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं द मीटिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ, तो मींस इज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है. तो ये पैसिव वॉइस का रोल यहां पे प्ले कर रहा है ये सेंटेंस. तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज इन पैसिव वॉइस, तो यहां पे जो है कंप्राइज के साथ ऑफ जो लगाया जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है. ये सेकंड सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव वॉइस, बट इन फर्स्ट सेंटेंस सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस, दैट इज व्हाई वी एलिमिनेटेड दिस पर्टिकुलर प्रपोजिशन ऑफ फ्रॉम देयर, क्लियर. तो कंप्राइज वर्ब पे मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट्स बता दिए, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का. नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ब डाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर वर्ब डाय. इसके भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. डाय वर्ब पे क्वेश्चंस पूछ लेता है, जो कुछ लो लेवल के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, उस पर भी डाय वर्ब पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. ध्यान रखना है डाय कौन कौन सी प्रपोजिशन देते हैं, ध्यान रखना आपने. प्रपोजिशन ऑफ डाय के साथ लग जाता है, ठीक है. फ्रॉम प्रपोजिशन डाय के साथ लग जाता है, फॉर प्रपोजिशन डाई के साथ लग जाता है, और डाइड ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई फॉर, ठीक है, और डाइड इन. तो ये चारों प्रपोजिशन डाई वर्ब अपने साथ ले लेता है, ठीक है. तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे कि डाई ऑफ आएगा तो क्या किस कॉन्टेक्स्ट में डाई ऑफ को लगाना है, किस कॉन्टेक्स्ट में फ्रॉम लगाना है, देन इन लगाना है, देन फॉर लगाना है. जब भी किसी की डेथ डिजीज से होती है, बीमारी से जब कोई मरता है, ठीक है, तो वहां पे हम हमेशा लगाते हैं डाई ऑफ. मैं एग्जाम्पल से इसको भी लेकर देता हूँ. जैसे मैं बोलता हूँ ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर. तो कैंसर यहां पे क्या है, व्हाट कैंसर इज, व्हाट डिजीज. ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया, ठीक है. ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कैंसर. तो डिजीज के कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा क्या लगा देते हैं, डाई ऑफ. इन केस ऑफ डिजीज डाई ऑफ का लगाते हैं, ठीक है. डाई फ्रॉम का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सीजीएल टियर 2 में एक बार पूछा गया था, डाई फ्रॉम, ठीक है. डाई फ्रॉम पे एग्जांपल देता हूं, इफ आई से ही डाइड ब्लैंक स्टार्वेशन, स्टार्वेशन इज व्हाट, भुखमरी, हंगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टार्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है. तो किसी को खाना नहीं मिला या कोई ओवरवर्क से, स्ट्रेस से किसी की डेथ होगी, तो ये कोई डिजीज में नहीं आएगा.
कोई और कारण है, मीन्स बीमारी नहीं है लेकिन बंदे को कोई और कारण है, किसी और कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो वहां पे कभी भी ऑफ नहीं लगाते हम, वहां पे लगाएंगे फ्रॉम। ये स्टार्वेशन वाला क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया कि डाइड ब्लैंक की फॉर्म में, ही डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं इन केस ऑफ अदर कॉज वी हैव टू यूज प्रपोजिशन फ्रॉम, इन केस ऑफ डिजीज वी हैव टू यूज ऑफ। ठीक है, अब हमें पता है इतने सोल्जर्स हमारे शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, ठीक है, जैसे वो अपनी जान दे देते हैं देश के लिए, तो वो क्या बना वहां पे, गुड कॉज। ठीक है, तो गुड कॉज के लिए हम बोलेंगे ही डाइड फॉर द, ही डाइड फॉर द नेशन। सो डाई फॉर होता है, डाई फॉर लगता है गुड कॉज के लिए, अच्छे रीजन के लिए जब किसी की डेथ होती है तो वहां पे प्रपोजिशन फॉर को पुट किया जाता है। और डाई इन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगेगा, डाई इन बेसिकली यूज होता है एक्सीडेंटल केसेस में, ठीक है, जिसमें बोलूंगा जसपाल भट्टी डाइड इन एन एक्सीडेंट, क्या बोलते हो माई फ्रेंड, या ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ओके, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। ओके, तो चार कॉन्सेप्ट इसमें है, डिजीज के कॉन्सेप्ट में ऑफ लगाना है, अदर कॉजेज में फ्रॉम को लगाना है, गुड कॉज के लिए प्रपोजिशन फॉर को लगाना है, और एक्सीडेंटल केस के लिए हमने प्रपोजिशन इन को लगाना है। ठीक है, तो ये चारों ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डाई वर्ब पे ध्यान रखना आपने। ओके, नेक्स्ट तो ये कुछ मैंने आपको फिक्स्ड प्रपोजिशंस पे थोड़ा सा बताया। ठीक है, थोड़ा फर्दर हम यूजेस की तरफ बढ़ते हैं, यूजेस मैं आज इस क्लास में थोड़ा स्टार्ट कर लूंगा, बट इसकी नेक्स्ट थर्ड जो वीडियो बनेगी उसमें फिर हम यूजेस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यूजेस पे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, तो यूजेस में हम जैसे बोलते हैं, एक तरफ मैं लिख देता हूँ बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। Besides पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया, दोबारा बता देता हूँ कि जैसे ये टाइप्स अगर बनानी हो तो इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ब्लैंक्स फिलिंग इन द ब्लैंक की फॉर्म में आ सकता है, एरर की फॉर्म में आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में आ सकता है। तो besides पे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो beside और besides में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली एक beside होता है, एक besides होता है, एक में एस लग रहा है, एक में एस नहीं लग रहा है। ठीक है, थोड़ा हमने ध्यान रखना है कि ये जो बिसाइड होता है इसका मीनिंग तो होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, और ये जो बिसाइड्स होता है इसका मीनिंग होता है इन एडिशन, इन एडिशन, इसके अलावा वी कैन से। ठीक है, बिसाइड आप बोल सकते हो, जैसे आपका कोई फ्रेंड आपके साथ में बैठा हुआ है, तो माय फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड मी, माय मदर इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, बगल में, साथ में, बाय द साइड ऑफ। लेकिन आप बोलते हो कि मेरे पास मैं बोलता हूँ इस मार्कर के अलावा मेरे पास एक और मार्कर है, सो आई हैव वन मोर मार्कर बिसाइड्स दिस वन, मीन्स इन एडिशन टू, ये एक चीज तो मेरे पास है बट इसके अलावा मेरे पास एक चीज और भी है घर पे। ठीक है, तो जैसे आपके पास कोई फोन है, सेल फोन है, तो आप बोलते हो अरे एक सेल फोन इसके अलावा मेरे पास घर पे भी पड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे आई हैव वन मोर सेल फोन बिसाइड्स दिस वन। सो बिसाइड्स बेसिकली एडिशन को शो करता है, एडिशनल होता है बिसाइड्स, और बिसाइड हमेशा बाय द साइड ऑफ को डिनोट करता है। अब सेंटेंस में पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेगा, ब्लैंक्स की फॉर्म में दे देगा, ऑप्शन में दोनों डाल देगा। अगर फिर वहां पे आपने देखना होगा कि अगर तू सिटिंग स्टैंडिंग की बात कर रहा है स्टेटमेंट में, तो हमने वहां पे पुट करना होगा बिसाइड, और अगर सेंटेंस में एडिशनल बात कर रहा होगा तो वहां पे आपको लगाना पड़ेगा बिसाइड्स। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू पुट दीज प्रपोजिशंस। क्लियर, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रपोजिशन अगेंस्ट, अगेंस्ट ये भी क्वेश्चन आते हैं। देयर आर टू यूजेस ऑफ प्रपोजिशन अगेंस्ट, इसपे दो यूज बनते हैं। फर्स्ट तो हमें पता है ऑपोजिशन होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, किसी के खिलाफ होना, सिंपल यूज है, एवरीबॉडी नोज दिस पर्टिकुलर यूज अगेंस्ट। जैसे आप बोलोगे ही इज ऑलवेज अगेंस्ट माय थॉट्स, कि वो हमेशा मेरे विचारों के खिलाफ रहता है। ठीक है, शी इज ऑलवेज अगेंस्ट मी,
अगेंस्ट वही हो गया किसी के एंटी, किसी के ऑपोजिट में रहना, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूज है, इस पे एज सच क्वेश्चन नहीं आता। सेकंड यूज इस पे एक और भी है, जैसे कोई वॉल है, मैं मीन से एक दीवार है, ठीक है, या मैं यहाँ पे एक दीवार बना देता हूँ, ठीक है, और इस दीवार के सहारे में कई बार हम ऐसे सीढ़ी को खड़ी कर देते हैं, मैंने ऐसे स्टेयर को लगा दिया, ये मैंने यहाँ पे एक सीढ़ी बना दी, ठीक है। तो इस पे पीओ में, बैंक पीओ में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इस रूल पे, ठीक है। तो इसका एक सेंटेंस में बोर्ड पे लिखता हूँ, तो आपने इसमें देखना क्या इसमें प्रॉब्लम है। थोड़ा मैंने आपको इसमें आइडिया बता दिया अंगेंस्ट का, ओके। मैं बोलता हूँ कि वैसे एग्जाम्पल है, ही फिक्स्ड अ मेटल लैडर फॉर द वॉल बिलो हिज विंडो सो एज टू एबल टू, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, सो एज टू एबल टू एस्केप इफ देयर वाज अ जितना भी पार्ट एंड तक रहता है इसको हम डी बना लेते हैं, और एक ऑप्शन हम ले लेते हैं एंड में, दैट इज ई, दैट इज लोअर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं ही फिक्स्ड अ मेटल लैडर, मींस उसने एक मेटल लैडर को दीवार के सहारे बोलना चाह रहा है, खड़ा किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कोई वॉल है उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके कॉन्टेक्ट में हमने एक सीढ़ी को खड़ा कर दिया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना कभी भी प्रपोजिशन फॉर को नहीं लगाया जाता, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने लगाना होता है प्रपोजिशन अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेंस्ट प्रपोजिशन को लगाना पड़ेगा, तो फॉर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा अगेंस्ट। Against is the right answer. B part में इस पे problem है, और इस use का नाम है in contact with, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कवर किया, थोड़े से मैंने इसमें आपको fixed prepositions पे concept बताया, die verb का concept दिया आपको मैंने, depend verb के दो concept बताए, agree verb पे दो concept बताए, part verb के concepts बताए आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा और उसके बाद हमने आज की क्लास में क्लास सेकंड में हमने जो है यूजेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें हमने बिसाइड और बिसाइड्स का मैंने अभी तक कवर कर लिया, और सेकंड यूज जस्ट मैंने अभी आपको बताया अगेंस्ट, जिसमें पहला यूज था हमारा किसी के ऑपोजिट में होना, और सेकंड मैंने बता दिया इन कॉन्टैक्ट विथ, ओके। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।